सर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो मंडी हिमाचल प्रदेश से श्रेजल गुलेरिया। हिमाचल में कहाँ से बेटा? सर मंडी, जवाहर नवोदय विद्यालय। यस सर। सर मेरे दादा आपके बहुत बड़े फैन हैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो अपना गांव कहाँ पड़ता है जी? मंडी हिमाचल प्रदेश जिला मंडी। मंडी के पास है? मंडी से नजदीक है 8-9 किलोमीटर। अच्छा, बस्ती की तरफ। और ठीक है? मैं ठीक हूँ। मेरी पोती, पहले तो मुझे आपके यहाँ से सेबू बड़ी खाने को मिलती थी। कचौरी मुझे कभी चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करने का, मुझे मौका मिला। और मेरा ये विश्वास और दृढ़ हुआ है कि भारत का युवा पॉजिटिव भी है और प्रैक्टिकल भी है। नेगेटिव थॉट्स की जगह आप लोग हर डिफिकल्टी और चैलेंज को भी अपनी ताकत बना लेते हैं। ये हमारे देश के युवाओं की एक विशेषता है। घर में रहकर आप सब युवाओं ने जितने इनोवेशंस किए हैं, जितनी नई नई चीजें सीखी हैं, उसने आपके अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है। और मैं देख रहा था आज, मैं तो अचानक आ गया, आपको मालूम भी नहीं था, फिर भी आप एक भी बातचीत करके न आप लड़खड़ाए हैं। आप बिल्कुल जैसे अपने टीचर के साथ रोज बात करते हैं, अपने पेरेंट के साथ रोज बात करते हैं, वैसे मेरे से कर रहे हैं। ये जो अपनापन है ना, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए ये अनुभव बहुत आनंददायक है कि मैं मेरे देश के इतने कोने में बैठे हुए इन बच्चों के साथ इतनी सहजता से मैं बात कर पा रहा हूं। वरना तो कभी क्या होता है, वो देखते ही चौंक जाता है, अरे आप है, फिर वो बातें नहीं करता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग कुछ भी भूले बिना बड़े विश्वास के साथ बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव है। साथियों, आपके अनुभव जीवन में हर पड़ाव पर आपके वाले हैं। अगर कठिन से कठिन समय है, उसको बार बार याद करके रोने चिल्लाने में समय बर्बाद मत कीजिए। कठिन समय से भी कुछ सीखा होगा, वो सीख को लेकर के आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत ताकत मिलेगी। आज जिस भी फील्ड में जाएंगे, वहां काफी कुछ नया कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि स्कूल्स में, कॉलेज में हमें टीम स्पिरिट के बारे में बार बार कहा जाता है, सिखाया जाता है। यूनाइटेड स्ट्रेंथ के लेसन्स हमें दिए जाते हैं। लेकिन कोरोना की मुश्किलों के बीच हमें ये लेसन्स करीब से देखने का, समझने का, जीने का एक प्रकार से नए तरीके से अवसर मिला है। कैसे हमारे समाज में हर किसी ने एक दूसरे का हाथ थामा, कैसे देश ने एक टीम स्पिरिट से इतनी बड़ी चैलेंज का सामना किया है, ये सब हमने एक्सपीरियंस किया है। पब्लिक पार्टिसिपेशन और टीम वर्क के एक्सपीरियंस, मैं जो पक्का विश्वास है, आपको भी एक नई ताकत देंगे। साथियों, कठिन से कठिन समय में भी जितना हमारे देश का, हम लोगों ने इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा, इस बार भी मैं जब भी किसी से बात करता हूं, जैसे मैं अभी एक बेटी बता रही थी, उसके परिवार के दो लोग उसने खो दिए, ये छोटी चीज नहीं होती जिंदगी में, लेकिन फिर भी उसके आंखों में एक विश्वास झलक रहा है। सबको लग रहा है ठीक है, आफत आई है, लेकिन हम विजयी होकर के निकलेंगे। हर हिंदुस्तान के मुंह से, हर भारतीय के मुंह से यही आवाज निकल रही है। हाय, पूरी वैश्विक महामारी है, पिछली शताब्दी में कभी ऐसा संकट नहीं आया है, पिछली 4-5 पीढ़ी में किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं, ऐसा हम लोगों के कालखंड में आ गया है। लेकिन फिर भी
हर हिंदुस्तानी का एक ही आवाज निकल दे, नहीं हम इसको भी महत्व करेंगे, हम इससे भी निकलेंगे और नई ऊर्जा के साथ देश को आगे ले जाएंगे और मिलकर के आगे बढ़ना, यही तो हमारा संकल्प है और मुझे पूरा भरोसा है आप आगे जहां भी जाएंगे इसी तरह एक साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे और देश को नई ऊंचाइयां तक ले जाएंगे। और जैसा मैंने कहा 5 जून पर्यावरण दिवस है, कुछ न कुछ कीजिए एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि पृथ्वी को प्रकृति को बचाना हम सबका दायित्व बनता है। उसी प्रकार से 21 जून याद है ना, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और यूएन में ये निर्णय जितने हुए हैं ना, ये योगा दिवस ऐसा आया कि दुनिया के सबसे अधिक देशों ने उसका समर्थन किया। यूएन में करीब करीब सब देशों ने समर्थन किया, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो ये योगा दिवस में आप भी अपने परिवार में रह करके योगा को जरूर अपनाइए, योगा कीजिए। और मैंने कहा बहुत सारे मैचेज हैं, ओलंपिक्स हैं, जानना चाहिए हमारे देश के कौन होनहार खिलाड़ी इस बार ओलंपिक में जा रहे हैं, ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों ने कितनी मेहनत की है, कैसी कठिन परिस्थितियों में वो आगे आए हैं, ये जानने से हमें एक नई प्रेरणा मिलती है, नई ताकत मिलती है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि हम सब नौजवान इस समय का मैक्सिमम सदुपयोग करेंगे। इस कोरोना कालखंड में जैसे वैक्सीनेशन करना है, आपके परिवार में भी कुछ लोग होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनका रजिस्ट्री वगैरह करने का काम आप कर सकते हैं, अगल बगल के लोगों की रजिस्ट्री करवा करके काम करोगे। और जब भी जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी, वैक्सीन लोगों को मिलती जाएगी, तो सेवा के भाव से भी जरूर किसी न किसी काम से जुड़िए। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, आपके माता पिताजी के आप पर आशीर्वाद बने रहें, आपके अपने सपने लेकर के आप जिए और आपके सपनों के लिए आपके माँ बाप को गर्व होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अचानक आपके बीच में घुस गया, आप हंसी मजाक की बातें कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, लेकिन मैंने आकर के थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया आपको, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।